पार्क में वॉक करते हुए जब भी कभी मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ या कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो दोस्त पूछते हैं कि हम तो 9 to 5 काम पे होते हैं, आप 4 बजे कैसे पार्क पहुंच जाते हैं और हमें जेलस करते हैं। एक्चुअली सही पूछे तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जॉब 9 to 5 नहीं होती बल्कि 9 बजे से लेके 6, 7, 8 बजे तक जॉब होती है। और एक खास अच्छा गुजरने के बाद, मिसाल के तौर पे 10 साल काम करने के, 20 साल काम करने के बाद एक छोटी मोटी बीमारियां शुरू होती हैं, चेस्ट बर्निंग या कमर दर्द या एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई ऐसी बात, तो लोग सोचना शुरू करते हैं कि क्या करें, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उस वक्त नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू होती है 10-20 साल पहले। इसका मतलब है कि जब हम जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, बड़ी पोजिशन पे जाने के लिए, मैनेज करने के शौक से, पैशन, व्हाटएवर, और हम अपनी सेहत को टाइम देना भूल जाते हैं, सेहत को प्रायोरिटी बनाते नहीं है। सेहत को प्रायोरिटी ना बनाने की वजह से एक खास अरसे के बाद सेहत हमें निशानदही करना शुरू करती है कि मेरे साथ ज्यादा हो रही है। तब तक ज्यादा हो चुकी है, उस वक्त टाइम होता है अपनी कोताहियों को ठीक करने का, ना कि हेल्थ को प्रॉपर टाइम देने। तो होता क्या है, इफ यू आर रिपेयरिंग ब्रोकन मैन यू माइट हैव मिस्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर चिल्ड्रन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बचपन से लेके ऑनवर्ड आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबकी ऐसी रूटीन बननी चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने से लेकर दोपहर, दिन में एक्सरसाइज करने से लेकर अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, कम डाइट खाने से लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबका ख्याल किया जाए, तो जाके आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि इमरान खान के पास एक आइडियल सेहत है, तो ये सेहत कहीं से आ नहीं गई, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की होगी इसने और आज भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अपने आप को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए eventually you need to have better diet, better day plan, exercise, healthy mind, healthy body की requirement होती है, वो पूरी करने लगे तो फिर आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आज से कोशिश करें अपनी जॉब रूटीन में से कुछ टाइम निकालने, फ्रूट खाया करें, अच्छा खाना खाएं, मुनासिब खाना खाएं, और अपने आप को डेली कम अज कम 1 घंटा दें जिसमें आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें अपने ऑफिस से, अपने और जो स्ट्रेसफुल आपके टास्क हैं लाइफ में, करियर के, ऑफिस के, और आप ये टाइम किसी अच्छी नेचुरल जगह में, पार्क में, कहीं अच्छी जगह पे गुजारें, और इसका आपको पे बैक बहुत ज्यादा आपकी सोच से भी ज्यादा होगा। करके देखें 3 महीने तक रेगुलर बगैर एक दिन भी मिस किए, किसी भी घर के करीबी पार्क में जाएं, वहां 1 घंटा गुजार के देखें, हल्की फुल्की वॉक करें, कुछ भी ना करें तो यहाँ बेंच पे बैठ के मेरी तरह कानों में हेडफोन लगा के अपने फोन में मेडिटेशन ऐप कर लें, उसके थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते रहें। लिटरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ही आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा। आप सोच लें, ये वक्त जाया करने के मुतरादिफ नहीं है, ये आपको लेके जाएगा उस तरफ जहाँ से एक अच्छी लाइफ शुरू हो। जो आइडिया, जो थॉट प्रोसेस आपका इस टाइम के अंदर आएगा, वो सोते हुए, ड्राइव करते हुए किसी और काम में नहीं आते। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।